सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ, मंडे टॉक टू विथ एमबीए बीके सिंह। सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ। चलिए दोस्तों, मैं देखता हूँ आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि कौन सा स्टॉक, छः लाख बयासी हज़ार पाँच सौ परसेंट छः लाख बयासी हज़ार पाँच सौ परसेंट का प्रॉफिट मार्केट कैप छः स्टॉक का 26,58,000 करोड़। ठीक है दोस्तों, छः स्टॉक, छः स्टॉक्स मार्केट कैप 26,58,000 करोड़, प्रॉफिट 6,82,500% का। इसका मतलब हुआ कि 1 रुपया जिसने लगाया होगा उसका कितना हो गया, 6,825 1 रुपया का हो गया 6,825 रुपया। कितने दिन में? आपको 20 से 22 साल में। अब इसमें कौन कौन कंपनी है जो आज के डेट में निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, बहुत सारे स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में अपना दबदबा बनाए रखे। एक एक स्टॉक, एक मार्केट कैप किसी छोटे मोटे देश के बराबर है दोस्तों। और ये सभी स्टॉक की आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक एपिसोड आता है आपको शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 3 दिन में 1 दिन ज़रूर आता है। उसी की सिलसिला में इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह का एपिसोड सोमवार की बात एमबीए बीके सिंह के साथ में आपको ये ज़रूर बताएंगे, क्योंकि इसमें से कई, 6 में से कई स्टॉक हैं जो इसमें से कई लोगों को अरबपति खरबपति बना दिया और कितने लोगों की लाइफ चेंज किया, उसकी चर्चा करना ज़रूरी है दोस्तों। और इसके लिए ट्रेडर के लिए तो सबसे ज़रूरी है, अगर इन्वेस्टर कमाए 1 रुपया का 6,825 रुपया कमाए तो ट्रेडर कमाए, आपके होश उड़ जाएंगे, लगभग 35,350 करोड़ परसेंट। जी दोस्तों, 35,3,500 करोड़ परसेंट आप निकालते रहिए तो पता चलेगा कि ट्रेडर कमाई करता है कि इन्वेस्टर कमाई करता है, लेकिन इसकी चर्चा ज़रूर करेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सी कंपनी है और किसके कितने मार्केट कैप है और उसने कितने परसेंट ट्रेडर को दिया, कितने परसेंट इन्वेस्टर को दिया, और क्यों इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह कहते हैं कि आपको ट्रेडर बनिए दोस्तों। और ट्रेडर बनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा, समय देंगे तभी आपको कुछ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों जो, और इसमें से आप ये भी गणना कीजिए कि किस कंपनी ने कितना इन्वेस्टर रिटेलर को दिया और किस कंपनी ने रिटेलर के पैसे को अपना बनाकर, अपने तो बढ़ गया लेकिन इन्वेस्टर के पैसा और सब कंपनियों के अलावा बहुत ही कम पैसा हुआ दोस्तों। कंपनी बढ़ गई उसी सिलसिले में, कोई कंपनी 1,00,000 करोड़ भी नहीं कर पाया और वही सिलसिले में वो कंपनी 16,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा का अपना एसेट तैयार किया और इन्वेस्टर को मात्र 4,500% वही कंपनी
20 साल में किसी कंपनी ने 2,80,000% दिया तो एक कंपनी ने 4,500% का सिर्फ 4,500% का प्रॉफिट दिया, उसी की जगह में 2,80,000% का प्रॉफिट दिया, मार्केट कैप भी नहीं बढ़ा उसका, लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप बढ़ा, अपने लिए तो खड़ा किया लेकिन इन्वेस्टर को लूटने का काम किया और एक सिस्टम लगाकर पूरे अपनी कंपनी जो इन्वेस्टर हैं वो कभी भी नहीं कमा पाएंगे इस कंपनी से। इस कंपनी का तो एसेट दिन पर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहेगा, लेकिन रिटेलर इसमें अब क्या, अब तो बन गया, अब उसका कहानी ख़त्म, अब तो उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता, जैसे नेता करते हैं कुछ कंपनियां स्टॉक मार्केट में भी करती है, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं, और ये सिस्टम ख़त्म होने वाला नहीं है दोस्तों। चलिए, लेकिन चर्चा करना ज़रूरी है, कौन सा कंपनी 2,80,000 करोड़ दिया? आइसर कंपनी, आइसर मोटर दिया दोस्तों 2,80,000%। ठीक है, मतलब आपको 1 रुपया का बना दिया 2,800 रुपये कितने दिन में, 20 साल में। वही एक कंपनी 20 साल में दिया 4,500% का प्रॉफिट, मतलब 1 रुपया का सिर्फ 45 रुपया बनाया, और इसका मार्केट कैप हुआ 16,00,000 करोड़ से ज़्यादा का है, और इसका मार्केट कैप देखेंगे दोस्तों तो मात्र इसका मार्केट कैप है, आपको मैं बता दूं, 91,000 करोड़, क्योंकि ये कंपनी इन्वेस्टर को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया और इसके अपना एसेट तैयार करने में सिर्फ एक ही में फोकस किया, लेकिन ये कंपनी जिस समय प्रॉफिट होना था ये क्या किया, एक काम किया, वो पैसा फिर प्रॉफिट हो तो उसमें फंसा दिया कई काम। ये जो कंपनी है 4,500 रुपया का 45 रुपये दिया, और वही एक कंपनी ने 1 रुपया का आपको दिया कितना, 2,800 रुपया बना दिया उसी 20 साल एक किसान में, लेकिन ये कंपनी अपने लिए तो बना लिया लेकिन इन्वेस्टर का पैसा कुछ भी नहीं। इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस रिटेलर को लूटता रहा, अपने बनता रहा दोस्तों। आइसर मोटर भले ही इसका आज के डेट में नंबर 1 भारतीय स्टॉक मार्केट का सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला आज तक रिटेलर को, नए शेयरधारकों को जो 20 साल में 2,80,000% का दिया दोस्तों। चलिए इसी सिलसिले में एक और कंपैरिजन करते हैं इसी वीडियो में। 6 स्टॉक का नाम है, 2 स्टॉक को बता दिया, आइसर मोटर 2,80,000%, 91,000 का मार्केट कैप, रिलायंस इंडस्ट्रीज 4,500% का प्रॉफिट दिया, 1 रुपये का 45 रुपये बनाया, आइसर मोटर 1 रुपये का 2,800 बनाया, मार्केट कैप 91,000, और वहीं देख लीजिए इसका 16,00,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों, जिसका नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चलिए अब आते हैं दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, और आपको एक है SRF इंडिया लिमिटेड, SRF इंडिया लिमिटेड, SRF और कोटक महिंद्रा बैंक, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। SRF का मार्केट कैप है, आपको जानते हैं कितना है SRF का मार्केट, मात्र 76,000 करोड़। और कोटक बैंक का मार्केट कैप है जानते हैं कितना है, मात्र 81,000 करोड़। और किसी भी कीमत में रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिटेलर को उसी समय में सेम समय में आपको प्रॉफिट दिया, जानते कितना, आपको ये मैं बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप है 3,00,000, कोटक महिंद्रा का मार्केट कैप है 3,86,000 करोड़। SRF का
मार्केट कैप है 76,000 करोड़। ओके, कोटक महिंद्रा 3,86,000 करोड़ का मार्केट कैप और 76,000 करोड़ का मार्केट कैप है दोस्तों। वही कोटक महिंद्रा आपको दिया, कोटक महिंद्रा 81,000% का प्रॉफिट, 1 रुपया का बना दिया 810 रुपया, 1 रुपया का बना दिया 810 रुपया। रिलायंस ने कितना बनाया, 1 रुपया का 45 रुपया। उसके एवज में भी देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अपेक्षा किस कंपनियों ने रिटेलर को, शेयरधारकों को, नए शेयरधारकों को पैसा बनाया। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ अपने लिए अपना एसेट तैयार करता रहा, रिटेलर का पैसा कभी भी किसी भी कीमत पे। अब तो अब उस समय क्या है, आज भी है कल भी रहेगा। इसलिए ऐसे कंपनियों को देखिए जो इतिहास बताता दोस्तों सिर्फ अपने लिए बने हैं और देश के लिए बने कि नहीं बने, ये तो आप लोग खुद ही बताइए दोस्तों। चलिए, कोटक महिंद्रा 1 रुपया का 810 रुपया बना के दिया, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 रुपया का 45 रुपया बना के दिया। एस आर एफ जो है 1 रुपया का 1,250 रुपया बना के दिया, वही रिलायंस इंडस्ट्रीज 45 रुपया बना के दिया। ये दोनों का, ये कोटक महिंद्रा बैंक, एसआरएफ का मैंने बता दिया दोस्तों, एसआरएफ का मार्केट कैप 76,000 करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक का 3,86,000 करोड़। और ऐसे स्टॉक दो और बचे हैं, उसका भी चर्चा करना जरूरी है दोस्तों। और वो कौन सा स्टॉक है, और ऐसे स्टॉक जो भारतीय स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इनका योगदान है, और इस योगदान के चलते, और ये भी जान लीजिए कि जिस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का FII, और ये FII कौन है, बहुत तेज़ी से इसकी चर्चा शुरू हुई दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो 22% की हिस्सेदारी है, जो इन्वेस्टर हैं, जिस दिन ये पता चल जाएगा कि ये कौन 22% है, इसकी चर्चा बहुत तेज़ी से हो रही है, और जिस दिन ये नीचे ये अपना हाथ खींचे 22%, तो उस दिन क्या होगा रिटेलर का, क्या होगा नए शेयरधार का, आप ही सोच लिए। तो इसलिए ट्रेडर बनिए, इन्वेस्टर, डोंट इन्वेस्ट इन एनी टाइप ऑफ स्टॉक इन इंडियन स्टॉक मार्केट। चलिए दोस्तों, दो का बता दें, FII से, रिलायंस के FII से सावधान, खतरा बढ़ने वाला है दोस्तों। चलिए अब आ जाइए श्री सीमेंट की बात कर लें दोस्तों। श्री सीमेंट का मार्केट कैप है, आप अगर पता करेंगे तो इसका मार्केट कैप है श्री सीमेंट का मात्र 88,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसके प्रॉफिट अगर सुनेंगे तो ये 82,000% का प्रॉफिट दिया दोस्तों अपने रिटेलर को। 82,000% मतलब कि 1 रुपये का 820 रुपया बना दिया, ठीक है। लेकिन वही रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 रुपया का मात्र 45 रुपया दिया, और वही श्री सीमेंट 1 रुपया का 820 रुपया बना के दिया। उसी समय में कोई कंपेरिजन नहीं है, 6 स्टॉक आपको, फिर एक स्टॉक और बच गया, उसका भी देख लिया जाए। और श्री सीमेंट का मार्केट कैप 88,000 करोड़ और 82,000% का प्रॉफिट दिया इस इन्वेस्टर को आज तक का। 30 रुपया से शुरू होकर ये 2,500 रुपया, 25,000 तक गया था, 25,500 तक गया था। अब एक स्टॉक और है दोस्तों, मैं उसकी भी चर्चा कर लूँ, बजाज फाइनेंस। जी हाँ, बहुत बढ़िया स्टॉक है, बजाज फाइनेंस की भी बात कर लिया जाए। बजाज फाइनेंस ने क्या दिया रिटेलर को, वो भी करना ज़रूरी है। बजाज फाइनेंस ने दिया दोस्तों 110,000%, 110,000%, मतलब कि 1 रुपया का 1,100 रुपया दिया। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 रुपया का मात्र 45 रुपया दिया दोस्तों, 1 रुपया का बना दिया 1,100 रुपया। और कौन सा, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1 रुपया का मात्र आज तक 45 रुपया दिया,
कितना डिफरेंस है आप खुद ही सोच लीजिए। कौन सा कंपनी अपने लिए काम कर रहा है, कौन सा कंपनी देश के लिए काम कर रहा है, और कौन सा कंपनी रिटेलर और शेयर नए शेयरधारकों के लिए काम कर रहा है। दोस्तों ये सोचना आपका काम है, हमारा काम है, हमारा एक ही मकसद है, ट्रेडर बनिए और ऐसे कंपनियों को मारिए गोली, जूते, चप्पल, जो भी आप समझते हैं, ऐसे कंपनियां जो सिर्फ अपने लिए बनाए हैं, रिटेलर और शेयरधारकों के पैसे को वो लूटने का काम करते हैं, और ऐसी कंपनियां सिर्फ और नहीं, ये पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम, इसमें टोटल गवर्नमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये मीडिया है, और तो और दोस्तों ये दो गिद्ध, चार की चौकड़ी चंडाल, और ये सभी के सभी मिलकर देश के गरीबों का खून चूसते हैं, शेयरधारकों को लूटते हैं, और रिटेलर का पैसा बर्बाद करके अपने तो बनते हैं लेकिन नए शेयरधारकों को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए। देश में बहुत सारी कंपनियां हैं, और जो हमारा काम था, आइए देख लीजिए एक बार पूरा डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा हुआ। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके बाद एक वीडियो आएगा दोस्तों, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक सोमवार को क्या होगा, 100% प्रेडिक्शन से जानिए, और ये भी जानिए कि आने वाला समय स्टॉक मार्केट 2023 के लास्ट तक कितना जाएगा।